नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। जिस प्रकार से सिरसा जिला के अंदर कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो एक बेहद चिंता का विषय है। अब अगर बात करूं तो एक साथ 28 केस मिलने के बाद आज अगर बात करें तो 4 कोरोना के पॉजिटिव केस जो है संक्रमित केस हैं वो और सामने आए हैं, और उन 4 में से 3 जो केस हैं वो डबवाली से हैं, और बताया जा रहा है कि 2 केस जो है पति पत्नी हैं, जो कि पहले से जो कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ था प्रेमनगर के, वहाँ के रहने वाले हैं। वह एक युवक जो है वो अन्य जो कोरोना से संक्रमित मिला है। तो कुल मिलाकर के 3 केस एक साथ डबवाली से मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो एक अन्य केस मिला है जो कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव नीमला से है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली से लौटा था, और दिल्ली से लौटने के बाद उसने जो है अपना मेडिकल चेकअप करवाया तो आज उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पे प्रशासन ने भी नीमला गांव के अंदर जहां उस युवक का घर था वहां पे कंटेनमेंट जोन स्थापित करके बाहरी लोगों को कंटेनमेंट जोन के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि सील कर दिया गया उस इलाके को। अब इसके अलावा अगर मैं पूरे कोरोना मामले की बात करूं तो पूरे सिरसा जिले में टोटल 47 केस हो चुके हैं, जिनमें से 11 केस जो है वो ठीक हो चुके हैं, और 36 केस अभी भी सिरसा जिला के अंदर संक्रमित हैं। अगर डबवाली की बात करूं तो डबवाली में टोटल 8 केस जो है अब तक सामने आए हैं, और उनमें से जो है अभी तक 5 केस जो है अभी भी पॉजिटिव डबवाली के अंदर हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के बात करूं तो ये जो 3 केस और डबवाली में आए हैं, 2 केस कल आए थे उन 28 केस के साथ, और 3 केस ये अलग से आए हैं, तो 5 केस जो है 2 दिनों के अंदर डबवाली शहर से, डबवाली विधानसभा से आ चुके हैं। तो ऐसे में अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ये जो 3 केस आज जो आए हैं, जो कंटेनमेंट जोन था पहले से ही, जो महिला पंजाब से आई थी अपनी बेटियों के पास रहने के लिए, वो प्रेमनगर इलाके से, इलाके में उसकी बेटी थी और दूसरी रविदास नगर में थी, तो रविदास नगर से जो है अभी भी कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, प्रेमनगर से और पॉजिटिव केस आए हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय ये है कि आने वाले समय में ये दिन प्रतिदिन कोरोना का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में बाजार भी, तमाम जो बाजार हैं वो पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये जिला प्रशासन के लिए और सिरसा वासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब अगर बात करें तो डबवाली विधानसभा में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है 8 हो गई है, जिनमें से 3 मरीज जो वो ठीक हो चुके हैं और अभी भी 5 संक्रमित हैं। अगर एलनाबाद विधानसभा की बात करें तो एलनाबाद विधानसभा से 4 जो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो चारों के चारों अभी भी पॉजिटिव हैं। तो इनमें से अगर बात करूं तो एक कुछ दिन पहले बैंक मैनेजर की सूचना सामने आई थी कि बैंक मैनेजर गुड़गांव से लौटे थे, उनको कोरोना संक्रमित पाया गया था। एक केस आज निमला से आ चुका है, और 2 केस जो है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव माखो सरानी से कल जो है 28 केस के साथ सामने आए थे। तो कुल मिलाकर के एलनाबाद में 4 हो चुके हैं, और डबवाली में जो है वो 8 टोटल कोरोना संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 3 ठीक हो चुके हैं, 5 अभी भी एक्टिव हैं।